मैं हूं आशीष चौबे। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दरअसल जयपुर में ट्रांसफर को लेकर वरिष्ठ अध्यापकों का प्रदर्शन जारी है। 7 जनवरी को शिक्षा मंत्री ने दरअसल तबादलों का आश्वासन दिया था, लेकिन शिक्षा मंत्री के गृह जिले के टीचर्स का ही ट्रांसफर हुआ है, इस बात से नाराज हैं ये लोग और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देने पहुंचे हैं वरिष्ठ अध्यापक। जी मीडिया संवाददाता ललित हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ललित, लगातार टीचर्स की तरफ से और शिक्षा विभाग में जब तबादलों की बाढ़ आई तो ये कहा गया कि देखिए कितने सालों से रुकी हुई तबादलों की जो स्थिति है एक बार फिर से दिखाई पड़ रही है, लोगों को इसका फायदा होगा ये उम्मीद की जाने लगी थी। लेकिन द्वितीय श्रेणी के शिक्षक भी ये कहने लगे कि हमारे भी तबादले होने चाहिए। शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद कुछ आश्वासन मिले, आज जो आपकी हम तस्वीरें देख रहे हैं स्थितियां क्या कहती हैं, क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि जो वरिष्ठ अध्यापकों की तबादलों की मांग है वह तेज होने लगी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रदेश भर से जो वरिष्ठ अध्यापक हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जयपुर में जुटे हैं। इनकी एक ही मांग है कि तबादला सूची जारी की जाए। 2 बार आवेदन लिए जा चुके हैं इन वरिष्ठ अध्यापकों से, लेकिन इनके तबादले नहीं किए गए हैं, जिनसे आक्रोश है। 8 जनवरी को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से इन्होंने मुलाकात की थी और ज्ञापन सौंपा था। सकारात्मक जो वार्ता थी वो यहाँ पर हुई थी। सकारात्मक वार्ता के बाद ये संतुष्ट भी नजर आए थे, लेकिन अब एक बार फिर से जब वार्ता के 2 दिन बाद एक तबादला सूची जारी हुई जिसमें करीब 200 से ज़्यादा वरिष्ठ अध्यापकों के नाम थे, लेकिन सभी ये वरिष्ठ अध्यापक वो थे जिनके तबादले पूरे प्रदेश भर से सीकर चूरू में हुए थे। तो ऐसे में अब वरिष्ठ अध्यापकों में एक बार फिर से आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि जो वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले हैं वो क्यों नहीं किए गए, सूचियां जब तैयार हैं तो इनको जारी क्यों नहीं की गई। जी। अब सिविल लाइन फाटक से इन सभी शिक्षकों को शहीद स्मारक ले जाया जा रहा है। भारी पुलिस जाब्ते के बीच में इनको शहीद स्मारक पर ले जाया जा रहा है। वरिष्ठ अध्यापकों ने चेतावनी दे दी है कि जब तक इनके तबादले नहीं होंगे ये जयपुर में धरना देकर बात करने की कोशिश कीजिए, रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिए इनसे। 2 साल बाद एक बार फिर से शिक्षक। जी बिल्कुल, मैं जो वरिष्ठ अध्यापक इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से आए? हम मैं जालौर से आया हूँ। आपको कहाँ तबादला चाहिए? तबादला मैं अब मेरी व्यथा बताता हूँ। इस राजस्थान सरकार की क्या नीति है, मैं पिछले 25 वर्ष से जालौर जिले में अपनी ड्यूटियाँ दे रहा हूँ और जब हमारा नंबर आता है तो राज्य सरकार इसी प्रकार से इस तरह की गड़बड़ियाँ करती है। मैं जालौर डायरेक्ट जोन का हूँ, लेकिन मुझे राजसमंद दे रखा है तो राजसमंद से मैं डायरेक्ट जोन में जाना चाहता हूँ, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने केवल अपने लक्ष्मण गडगे ही ट्रांसफर किए हैं, जो ठीक नहीं है। वो केवल लक्ष्मण गड़गे नहीं, पूरे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। राजस्थान की शिक्षा, आप बताइए आप कहाँ से कहाँ तबादला चाहते हैं? मैं जयपुर से भर्ती हूँ और मेरे जो वरिष्ठ अध्यापक साथी है उनके तबादले नहीं किए। 2 बार हमारे फॉर्म भरवाए गए, परंतु माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय द्वारा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के तबादले जारी कर दिए गए, जबकि सभी राजस्थान के तबादले कहीं जारी नहीं किए गए। आप कहाँ से हैं? सर चूरू। चूरू से आपको कहाँ तबादला? बाड़मेर पोस्टिंग है सर, चूरू से। ये तबादले की बात नहीं है, सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र के चुनिंदा ट्रांसफर की है। हैराराम जी, आप बताइए अब क्या आंदोलन लंबा चलेगा? बिल्कुल, आंदोलन बहुत ही और भी इससे ज्यादा अभी हमारे साथी आ रहे हैं और यदि आज यदि 1-2 दिन में सोचूंगा आश्वासन नहीं मिलता है या मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात नहीं होती है जब तक हमारे साथी मानने वाले नहीं है, क्योंकि अब सूची आने की संभावना बहुत कम है और हमारे 32 जिलों के जो वरिष्ठ अध्यापक है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है। इसके 2 कारण है कि एक तो पिछली बार जब आवेदन लिए थे तब बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हुए थे और दूसरी बार हमारे साथ जब आवेदन नहीं हुए तो आत्म सम्मान की लड़ाई है। शिक्षा विभाग में एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल लेक्चरर हेडमास्टर रहता है, वरिष्ठ अध्यापक रहता है। कितने वरिष्ठ शिक्षक हैं कुल राजस्थान में? राजस्थान में 70,000 से अधिक वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत हैं। लोगों ने तबादले के लिए आवेदन किया? 16,500 वरिष्ठ अध्यापकों ने अपने तबादले के लिए आवेदन किए। 16,500 वरिष्ठ अध्यापकों ने तबादले के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन इनमें से महज 200 शिक्षकों को ही तबादले हुए हैं। चलो बहुत शुक्रिया, बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए और निश्चित रूप से आपने जो रिएक्शन लिया कि यह लंबा चलेगा क्या ये आंदोलन या ये प्रदर्शन या ये मांग, उन्होंने कहा कि हाँ अभी तो लंबी लड़ाई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम